अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने फिर कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हमें ऐसा शख्स चाहिए जो कि गर्व से कहे कि वो हिंदू है। कर्नाटक के बेलगावी में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि देश में बहुत से लोग हैं जो गर्व से बोलते हैं कि वे मुसलमान हैं, ईसाई हैं। इसे लेकर आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोले कि वो हिंदू है। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि उन्हें यहाँ जय शिवाजी और भारत माता की जय सुनने को मिल रहा है। ऐसे ही हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। भाई और बहनों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा देश में कोई सारे लोग है जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूँ। बहुत सारे लोग है जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूँ। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा भी व्यक्ति हमारे लिए जरूरत है। और आज मैं बेलगाम में देख रहा हूँ कि सब लोग यहाँ आके एक साथ बोल रहा है जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। ऐसा व्यक्ति आज भारत को जरूरत है, और ऐसा व्यक्ति से ही हमारा राष्ट्र, नया राष्ट्र निर्माण होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस दोबारा भारत को कमजोर करने का काम कर रही है। पहले मुगलों ने देश को कमजोर किया था, कांग्रेस आज की नई मुगल है। राम मंदिर बनता है तो उन्हें आपत्ति होती है। उन्होंने कहा कि एक समय दिल्ली के एक बादशाह ने दिल्ली में मंदिर तोड़ने की बात की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में राम मंदिर निर्माण की बात हो रही है। यह नया भारत है। पाकिस्तान कोई आतंकवादी यहाँ भेजता है तो हम उनके घर में घुसकर मारते हैं। भारत का इतिहास था छत्रपति शिवाजी महाराज का, भारत का इतिहास था लसित बोरफुकन का, भारत का इतिहास था दुर्गादास राठौर का, भारत का इतिहास था गुरु गोविंद सिंह का। लेकिन ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने ऐसा बना दिया कि भारत का इतिहास बाबर का था, शाहजहां का था, औरंगजेब का था। मैं सारे कम्युनिस्ट लोगों को बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भारत का इतिहास औरंगजेब का नहीं है, भारत का इतिहास बाबर का नहीं है, भारत का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का है, भारत का इतिहास गुरु गोविंद सिंह का है, भारत का इतिहास लसित बोरफुकन का है। आप देखिए, एक समय हमारे दिल्ली का बच्चा मंदिर तोड़ने का बात किया था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का दिन में हम मंदिर का निर्माण करने का बात कर रहा हूँ। ये नया भारत है जो नया भारत का इकोनॉमी ब्रिटेन से भी ताकतवर है। ये नया भारत है जो नया भारत कोविड का समय अपने आप को मुकाबला करने के लिए अपना वैक्सीन खुद निर्माण कर सकता है। ये नया भारत है। अगर पाकिस्तान कोई टेररिस्ट भारत में भेजता है, ये नया भारत है। हम पाकिस्तान का अंदर जाके बम फेंकने का क्षमता ये नया भारत रखते हैं। ये नया भारत है, और ये नया भारत को हमको बसा के रखना है। आज कांग्रेस लोग दोबारा ये नया भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा है। पहले जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है। और कुछ नहीं है, अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो उनका आपत्ति होता है। आप क्या मुगल का बच्चा है क्या? क्यों आप बार बार आप बाबरी मस्जिद के लिए बोलते हैं? आप क्यों राम मंदिर के लिए नहीं बोलता है? मतलब ये जो कांग्रेस है यही नया मुगल को रिप्रेजेंट करता है।